हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ हॉस्पिटल्स तो हॉस्पिटल अगर है तो वो अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट का स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करता है वो हम इस में सीखेंगे अब तक हमने ट्रांसपोर्ट वाला जो लेवल है वो प्रैक्टिस कर लिया है ट्रांसपोर्ट के लेवल में से बेसिकली आपके पेपर में यूजली क्वेश्चन जाते हैं तो so, अब हम देखेंगे कि हॉस्पिटल्स का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का स्टेटमेंट है वो कैसे प्रिपेयर होता है सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है अ हॉस्पिटल इज रन बाय फाइव थाउजेंड पर एंड अकोमोडेटेड और फाइव एक्स्ट्रा बेड्स वो अरेंज कर सकते हैं जब कभी भी नीड अराइज होगी तो सैलरी ऑफ द स्टाफ वॉज एज अंडर टू सुपरवाइजर्स उनकी सैलरी फाइव हंड्रेड पर मंथ फोर नर्सेस थ्री हंड्रेड पर मंथ टू वार्ड बॉय फिफ्टी पर मंथ द हॉस्पिटल इज ओपन फॉर पेशेंट ऑल थ्री फाइव डेज इन दर टू थाउज दैट ओनली फॉर ट्वेंटी पर डे एंड फॉर अनदर एटी डेज इट हैज्वेंटी बेड्स ओनली ऑक्यूपाइड पर डे तो ये थोड़ा पैराग्राफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसको हम सॉल्व करते वक्त ध्यान देंगे की ये पैराग्राफ के बेसिस पे हमें क्या चीज सॉल्व अदर एक्सपेंसेस वे रिपेयर मेंटेनेंस फूड अदर सर्विसेज और बहुत सारे अदर एक्सपेंसिस है और लास्ट में आपको कहा है कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड चार्जेस पर डे कैलकुलेट करना है आपको टोटल कॉस्ट एंड चार्जेस पर डे काफी सिंपल है तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए है देखो कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं ध्यान से समझो हमारा हेडिंग वही है स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखना है हॉस्पिटल्स में हम हमेशा कॉस्ट जो होती है वो पर एनम की प्रिपेयर करते हैं पर एनम का मतलब क्या होता है पर ईयरली दैट इज ईयरली कॉस्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट इज स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम और पर ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फूड अदर सर्विसेज देखो एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे देखो रिपेयर एंड मेंटेनेस दिया है फूड भी दिया है अदर सर्विसेज भी दिया है लॉन्ड्री चार्जेस भी है मेडिसिन भी है एक्सरे भी है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी दिए हैं तो वी नीड टू राइट दिस ऑल पॉइंट्स तो मैंने जैसे जैसे पॉइंट्स थे उन सभी को लिख दिया है यहाँ पे अब अगर हम सैलरी टू स्टाफ की बात करें तो सुपरवाइजर के लिए ध्यान से देखो सुपरवाइजर के लिए दो सुपरवाइजर है पांच सौ रुपया पर मंथ उनकी सैलरी है तो कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा दो सुपरवाइजर पाँच सौ रुपया पर मंथ उनकी सैलरी लेकिन हमें चाहिए पूरे साल का दैट इज ट्वेल्व ठीक है फिर नर्सेस के बारे में देखते हैं नर्सेस के लिए चार नर्स है तीन सौ रुपये सैलरी है यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा चार मल्टीप्लाइड बाय तीन सौ मल्टीप्लायड बाई ट्वेल्व ठीक है तो दैट विल बी योर वैल्यू फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिर वार्ड बॉय के लिए देखते हैं दो वार्ड बॉय है एक सौ पचास पर मंथ उनकी सैलरी है कैसे मल्टीप्लाई होगा दो वार्ड बॉय मल्टीप्लाइड बाय एक सौ पचास सैलरी मल्टीप्लाइड पर मंथ इज ट्वेल्व तो दैट्स इट ऑल एक्सपेंसेस वी हैव रिटर्न सारे एक्सपेंसेस लिख दिए इन सारे एक्सपेंस को अभी हमें ऐड करना है इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करोगे यू विल गेट आंसर है थर्टी वन थाउजेंड सिक्स 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 डबल थाउजेंडलो थर्टी वन थाउजेंड नहीं थोड़ा सा गलत हो गया थोड़ा सा ध्यान से प्रॉपरली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका आंसर है थ्री लाख थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी तो थ्री लैक्सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी इज नथिंग बट इट इज द टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑल गिवन इन द क्वेश्चन जितने भी पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन में थे उन सभी पॉइंट्स को हमें प्रेजेंट कर दिया हमारे फॉर्मेट में और फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के बाद हमने उसे ऐड कर लिया ऐड करने के बाद हमें आंसर मिला थर्टी थ्री लैक्स सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी ध्यान से समझना बिकॉज इसी से हमें आगे का कैलकुलेशन करना है अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं रूम डेज फिर हम चार्जेस ढूंढेंगे जो उन्होंने कहा है तो अभी मैं हेडिंग लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज जो मैंने आपको बताया था पढ़ते वक्त कि वो पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अभी उसी का यूज़ करके वी विल बी कैलकुलेट द रूम डेज टोटल रूम डेज हम कैपेसिटी के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे देखो एक है आपकी फुल कैपेसिटी पढ़ते ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और एक है आपका अदर ठीक है अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में ही दिया है कि हॉस्पिटल इज ओपन फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन द टू थाउजेंड इट डिस्क्लोज़ दैट ओनली फॉर वन ट्वेंटी डेज इन अयर द यूनिट पर डे कितने डेज वन ट्वेंटी डेज और पच्चीस पेशेंट ध्यान रखना वन ट्वेंटी डेज और कितने पेशेंट पच्चीस पेशेंट फुल कैपेसिटी पे एक सौ बीस दिन वो काम कर रहे हैं एंड कितने पेशेंट आ रहे हैं ट्वेंटी एक सौ बीस मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फाइव अगर करोगे तो आपको आंसर आएगा थ्री थाउजेंड ठीक है अभी ध्यान से आगे पढ़ते हैं एंड फॉर अनदर एट्टी डेज एंड फॉर अनदर एट्टी डेज इट हैज ट्वेंटी बेड्स ओनली ऑक्यूपाइड पर डे ठीक है ट्वेंटी बेड्स मतलब ट्वेंटी बेड्स मतलब कितने होंगे एक बेड पे एक ही पेशेंट रहता है ट्वेंटी बेड्स पे कितने पेशेंट होंगे ट्वेंटी पेशेंट्स ही होंगे तो रिमेनिंग अदर के लिए एट्टी डेज के लिए ट्वेंटी बेड्स बोल रहा है ट्वेंटी बेड्स मतलब एक बेड पे एक पेशेंट ट्वेंटी बेड्स पे कितने पेशेंट होंगे ट्वेंटी पेशेंट्स तो कितना आ जाएगा एट टू दिक्सटीन वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है तो हमें एड आउट करना है अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसको क्या नाम देंगे टोटल रूम डेज कॉल टोटल रूम डेज रूम डेज बोलो या फिर पेशेंट डेज बोलो एनीथिंग यू कैन कॉल दिस अभी हमें ढूंढना है चार्जेस पर डे चार्जेस पर डे हमें कैलकुलेट पल है फॉर्मूला टोटल कॉस्ट जो तो भी आपकी टोटल कॉस्ट आई थी ना हमने दोनों वेरिएबल और जो एक्सपेंसेस हमारे थे वेरिएबल और फिक्स हमने किए नहीं सारे के सारे हमने ऐड कर लिए तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है वो तो आपको डिवाइड करना है टोटल पेशेंट डेज के साथ तो चार्जेस पर डे आ जाएगा पेशेंट डेज कितना आया था हमको आंसर थ्री लैख सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी आया था और अभी जो रूम डेज मिला वो कितना मिला फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो आपको मिलेगा रुपीस डिवाइड करोगे तो सिक्सटी नाइन पर सिक्सटी नाइन रुपीज पर डे ये चार्ज है एक दिन का चार्ज कितना है सिक्सटी नाइन रुपीज पर डे तो इस तरीके से हॉस्पिटल का ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है आई होप दिस हॉस्पिटल कॉस्ट स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू ध्यान रखना हॉस्पिटल कॉस्ट स्टेटमेंट हो या बाकी के भी पॉइंट्स हो होटल हो ये जो भी कैलकुलेशन होता है या ऑपरेटिंग कॉस्ट का स्टेटमेंट होता है ये ईयरली बेस पे बनता है दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली पार्ट तो ईयरली बेस पे बनता है इसीलिए पोर एनम के बेस पे कैल्कुलेशन होंगे तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर